तो जो भी मिलता रहा घर गांव में उसे सबको हाथ जोड़ कर मेरा अंतिम राम राम ले लो, मेरी अंतिम नमस्कार ले लो, पापा अब मैं वापस नहीं आऊँगा। कि जिस वक्त तुम गाड़ी लेने गए थे उस वक्त मुझे दो यमदूत लेने आए, तो मैं 24 घंटे की मोहलत लेकर के आया पिताजी से नाक से लकीर खींच कर के, पापा मम्मी तुम सत्संग ना छोड़ देना, यही सतगुरु ये हजूर पिताजी यही वहां गद्दी पे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहमत मुर्शिद कार्यक्रम में। और जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम उन तमाम लोगों से आपको मिलाते हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ चमत्कार या कुछ अच्छा अनुभव हुआ होता है। तो बात करते हैं एक और शख्स से। जी नाम बताइए। मेरा नाम राजपाल है जी। कहाँ से आए आप? मैं सरसावा से जी। अपना वाक्य बताइए। यूपी से। ऐसा था, मेरा लड़का गुजरा था, तो जिस वक्त वो कुत्ते ने काट लिया था, तो काटने के बाद में फिर उसको बीमारी हमने कहा मालिक से नाम ले रखा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। तो फिर हमने जो है उसको एक दिन उसको बीमारी का उसका लक्षण दिखाई दिया रात को, तो हम उसे डॉक्टर के लेके चल दिए। किस तरीके से दिखाई दिए लक्षण, क्या दिखा था? कि उसको पानी में जो है पानी से डर लगा, पानी पीने गया वो नलका के हत्थी पकड़ी। हाँ। और तुरंत लौट के वापस, क्योंकि कुत्ते ने आपको लगा कि कुत्ते ने काट खाया तो उस पर वो असर आ गया जी। ठीक है। तो मैं डॉक्टर के ले गया। ठीक है। कुल मिलाकर उसने तो बहुत कुछ वहीं बताया। हाँ। लेकिन जब हम चंडीगढ़ अब बताइए आप। हाँ जी, क्या बताया लड़के ने? तो उसने तो जिस वक्त हम मैं चला तो कहने लगा पापा अब तो मैं तेरे अब मैं तो चलता हूँ। और मैं कहा क्यों बेटा, बीमारी का तो सब लक्षण है, ठीक हो जा, डॉक्टर इसीलिए होता है। कहने लगा ना, तो जो भी मिलता रहा घर गांव में उसे सबको हाथ जोड़ कर मेरा अंतिम राम राम ले लो, मेरी अंतिम नमस्कार ले लो, पापा अब मैं वापस नहीं आऊँगा। तो मैंने कहा बेटा ऐसी क्या बात, तो खैर कुल मिलाकर हम चंडीगढ़ के लिए चल दिए, शॉर्ट में बताता हूँ। तो जब हम चंडीगढ़ के लिए चल दिए तो सहारनपुर से निकले ही थे, एम्बेसडर कार में थे हम, मेरी मिसिज और मैं और वो पैसे। तो क्या हुआ कि उसने कहा कि पापा अब मैं बताऊं कि जिस वक्त तुम गाड़ी लेने गए थे उस वक्त मुझे दो यमदूत लेने आए, और उनकी शक्ल इतनी भयंकर थी जिसकी कोई मतलब मेरी किलकिल गड़न को होगी। तो उसी वक्त तुरंत शहनशाह जी हजूर पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा हे मेरे मौला, उसी वक्त शहनशाह जी आए, यही हजूर पिताजी सा सतना ये सा गुरमीत राम रहीम सिंह जी, तो आए और उनको यमदूतों को ललकारा और ललकार करके कहा कि पापा जब ललकारा तो फिर मुझे अपनी गोद में सचखंड सतलोक ले गए। तो जब मैं ऊपर उच्च मंडलों पे ले गए तो सब ने देवी देवताओं ने सब ने फूलों की वर्षा करी, और जहां मुझे ले गए वहां ले जा करके जहां छोड़ा तो इतनी खुशबू इतना आनंद और इतनी खुशबू है जिसका कोई हद नहीं। तो वो नुकर के बड़ी खुशबू लिया करता था। तो हमने कहा बेटा तू इस तरह क्यों कर रहा? तो उसने कहा कि पापा अब मैं इतना खुश हूँ कि मेरे शहनशाह जी ने मुझे जो है ऐसी अच्छी जगह ले गए, तो मैं 24 घंटे की मोहलत लेकर के आया पिताजी से नाक से लकीर खींच के कि मेरे माँ बाप सोते रह गए, मैं उन्हें समझाया हूँ। तो जब पापा मम्मी अब मुझे दिल्ली कलकत्ता चंडीगढ़ से कहीं भी ले जाओ, मैं सुबह 4 बजे तक आपके पास हूँ और आपको समझाने के लिए वापस आया हूँ शहनशाह जी से नाक से लकीर खींच के। तो जैसे ही मैं तुम सत्संग ना छोड़ देना, यही पिताजी वहाँ गद्दी पे हैं, कभी तुम इन्हें साधार कहाँ पर गद्दी पर है वहीं उच्च मंडलों पर, मतलब ये कुल मालिक हैं। उसने हमें बताया कि पापा मम्मी तुम सत्संग ना छोड़ देना, यही सतगुरु ये हजूर पिताजी यही वहाँ गद्दी पे हैं, और इनका मुकाबला करोड़ों सूर्य भी नहीं कर सकते, कोई इनका कोई अनगिन मुकाबला को कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे सूर्य तो वहाँ पेड्डे पे लगे हुए हैं। तो मैं वो सांस ऐसे लेने लगा जोर की, मैं कहने लगा बेटा तू ऐसे क्यों ले रहा,
कहने लगा पापा इस दुनिया में सड़हैन मारा है, जहाँ मैं गया वहाँ तो इतनी खुशबू है, इतना आनंद है, देख मेरे पिताजी ने देख कितनी खुशबू रखी, मेरे सफेद कपड़े हैं मेरे पास। अच्छा बेटा कोई बात नहीं। तो मेरी घरवाली और मेरी चलती कार, कार चली रही थी, मेरी घरवाली खैर मेरे अंदर ऐसा अंदर भी नहीं आया, बस उसके कहने से ही मैंने भी कह दिया मालिक से तौबा करके कहूँ कि एक लफ्ज कह दिया कि जब यू इतना 14-15 साल का लड़का जान लग रहा और तो फिर इस इसका मतलब तो बीमारी बड़ी होगी, और हम मतलब कहने का हुआ कि फिर सत्संग तो कुछ भी नहीं रहा तो हमारे अंदर, क्योंकि हमारा लड़का जान लग रहा था। तो उस वक्त ये जो ऐसा होया, कुर्बान जाए अपने मौला के, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तो उसी वक्त शहनशाह जी की, इन हजूर पिताजी की वाणी आई, मेरा नाम लिया, मेरी घरवाली का नाम लिया और कहा बेटा जिस वक्त इस शरीर के अंदर आत्मा डाल ली जाती है उसी वक्त ये लिख दिया जाता है कि ये शरीर इस बहाने छूटेगा, इस जीव का तुम्हारे साथ इतने ही दिन का संबंध था। तो हम बड़े मतलब कहने का वो जो आवाज कहाँ से आई थी, वो इन्हीं की पिताजी की आवाज, वो कहाँ से आई थी मतलब वो बच्चा शांत हो गया था उसी के उसमें आई थी, उसी के थ्रू, उसी के अंदर से आई थी जी। तो फिर उसके बाद उसने चलो हम चंडीगढ़ भी ले गए, तो वापसी में अम्बाला आने का सुबह के 4 बजे, तो उसने कहा बीच में वो बैठा था तो बैठ करके कहा कि मम्मी पापा अब मेरा टाइम हो गया, आप मुझे हंस का आशीर्वाद दो, आज तक तुम्हें दुनिया में आज तक कोई इस तरह हंसते हंसते कोई नहीं गया होगा, हंस पड़ो। तो मेरी ठोड्डी पकड़े, पाँ पकड़ लिए, अब मैं भी हंसा लेकिन वैसे ही, और घरवाली भी की भी ठोड्डी करी पकड़ ली और पकड़ के कहने लगे देखो आज तक दुनिया में कोई हंसते हंसते नहीं गया, और ये सतगुरु की कृपा है, ये शहनशाह जी की, ये सत्संग की मेहरबानी है कि जो आज तुम्हारा लाल हंसते हंसते जा रहा, तो हंस का आशीर्वाद दो मम्मी पापा। तो एक हाथ मेरा पकड़ लिया, एक हाथ अपनी माँ का, पीछे में बैठा था, ऐसे पकड़ करके ऐसे रख करके बहुत जोर का नारा लगा धन धन सतगुरु तेरा यासरा, ऐसा नारा लगा करके फिर उस लड़के ने कहा अच्छा मम्मी पापा अब तुम मतलब मुझे, या सुबह लेट गया कार सीट पे और कहा मम्मी पापा अब मैं चलता हूँ, मुझे पापा अपनी सफ़ेद लोई दे दो। वह लोई थी मेरे पे, मैंने देखी इतना शरीर उसने मुंह खोल लिया, खोल रखा था और लंबा लेटा हुआ था। कहने लगा मम्मी पापा तुम किसके लिए रोते हो, अगर कोई रोता है ना तो एक एक आंसू मेरे सीने पे मुझे दुख आएगा, क्योंकि रोना नहीं चाहिए, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। तो जी कुल मिला के मैं शॉर्ट में बता रहा, वैसे तो बहुत कुछ बताया उसने, बहुत ही कुछ बताया, लेकिन मेरे कुछ बता रहा कुछ नहीं शॉर्ट में बताने से। तो ऐसा है कि जैसे ही वो लेट गया और लेटते ही मेरे पास लोई ले ली, ले करके हमारे चरण छुए और चरण छू करके हाथ जोड़ करके कहा कि मम्मी पापा जो मेरे से गलती होगी वो मुझे अक्षमा करना, और जब मेरे प्राण निकल जाएंगे मेरे मुंह पे पर्दा कर देना, यानी जब मैं शरीर छोड़ दूंगा। तो हमारे देखते देखते हमारे अंक यानी टक देसी आवाज़ भी आई उसके अंदर से और वो जा सदा के लिए चले गए। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सभी साथ संगत से विनती है कि अगर आपके साथ प्यारे सदगुरु जी का साक्षात करिश्मा हुआ है और जिसका प्रमाण आपके पास मौजूद है, जैसे कि कोई मेडिकल रिपोर्ट हो या फिर डॉक्टर साहिबानों ने लाइलाज लिख दिया हो, लेकिन आपका वह दुख दरबार में आने से, सेवा करने से, परमार्थ करने से या फिर बीमारी वाला प्रसाद खाने से ठीक हो गया हो, वे भाई बहन ओबीडी स्टॉल्स पर अपना फ़ोन नंबर और अपना पता जरूर लिखवा कर जाएं जी। और अगर आप किसी ऐसे प्रेमी परिवार को जानते हो जिसके साथ सतगुरु जी का करिश्मा हुआ हो, उस प्रेमी परिवार का फ़ोन नंबर और उनका एड्रेस इन्हीं ओबीडी स्टॉल्स पर लिखवा सकते हो जी। इसके अलावा यह डिटेल आप व्हाट्सएप नंबर 9729977 04 पर भी भेज सकते हो जी।